उसके लिए आज हम बनाएंगे ब्रेड उपमा, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं जिनको मैंने रफली मैश किया है, पूरी तरह से मैश नहीं किया है, 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के और 1 ब्रेड के मैंने स्क्वायर्स काट के फ्राई कर दिया है इसको ब्राउन कलर में, 1 छोटा प्याज, थोड़ी सी सॉस, सरसों, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और कड़ी पत्ता। ब्रेड उपमा बनाने के लिए हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, 2 चम्मच जितना। तेल गर्म होने लगा है, अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है। अब हम इसमें सरसों डाल देंगे, प्याज के साथ सरसों भी क्रैकल हो जाएगी अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। प्याज पिंक होने लगे हैं, उनको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, वो जो मैश किए हुए पोटैटोज हमने लिए थे वो उसमें मिला देंगे। कई लोग इसमें हल्दी भी डाल देते हैं, वो भी चलता है, अच्छी लगती है हल्दी भी, उतना इसमें नहीं डाली है मैंने, फिर रंग वाली लाल मिर्च डाली है। अब मैं 1 मिनट के लिए गैस को सिम पे कर दूंगी। अब अपन मैं ब्रेड स्लाइसेस को हल्के से पानी में, ज़्यादा गीला नहीं करना है, सॉफ्ट करने के लिए करेंगे ताकि हम इसको क्रम्बल कर सकें। अब मैं इनको क्रम्बल कर लूँगी, सारे स्लाइसेस को पानी में बिल्कुल निकाल दूँगी। ये देखिए पानी पूरा निकल गया, ऐसे सारे स्लाइसेस को मैं क्रम्बल कर लूँगी। इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करूँगी, और सॉस डाल दूँगी। साथ ही साथ जो मैंने सॉफ्ट करके ब्रेड को क्रम्बल किया है वो भी इसमें डाल दूँगी। नमक बिल्कुल अपने स्वाद अनुसार डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो वो टेस्ट ही नहीं लगेगा, एकदम अजीब सा टेस्ट आएगा, तो बहुत ध्यान से डालना है। अब इसके अंदर हम अपने जो ये मैंने फ्राई किए थे ब्रेड क्रम्स को वो इसमें डाल देंगे क्रंची बनाने के लिए। सॉफ्ट एंड क्रंची दोनों तरह के ब्रेड पीसेस इसमें आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें सॉस भी है और आलू और ब्रेड तो वैसे ही है, जो बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट है। हमारा ब्रेड उपमा रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं।